तो हम अब बहुत ही करीब आ चुके हैं हमारी प्यारी वांडा का रिटर्न देखने के लिए। और अगाथा ऑल अलोन में मार्वल वालों ने ये बात कंफर्म कर दी कि जो वांडा का बेटा बिल्ली था वो अभी तक जिंदा है। मगर आपका सवाल होगा आखिर कैसे, वांडा ने तो हेक्स क्लोज कर दिया था, तो इस हिसाब से इन लोगों को गायब हो जाना चाहिए था। और आखिर वांडा कैसे वापस आएगी, सभी कुछ पर बात करेंगे। तो देखो, वांडा के दो बच्चे थे जिसको उसने अपने जादू से बनाया था। पहला था बिल्ली, जिसके पास वांडा जैसी मैजिकल पावर थी, जादू तो ना कर सकता था वो। और दूसरा था टॉमी, जो कि क्विक सिल्वर की तरह तेज भाग सकता है। अगर कायदे से देखा जाए तो जब वांडा ने अपना हेक्स को क्लोज कर दिया था तो ये दोनों को गायब हो जाना चाहिए था। मगर अभी हमें अगाथा के 5वें एपिसोड में ये पता चल रहा है कि बिल्ली जिंदा है। तो देखो, एक्चुअली में हुआ कुछ ऐसा था कि जब वांडा अपने हेक्स को क्लोज कर रही थी तो वहां से एक मासूम लड़का गुजर रहा था कार में, और वांडा के हेक्स को देखते हुए उसकी गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाती है एंड उसकी जान वहां पर ही चल जाती है। उसके शरीर से उसकी आत्मा अलग हो जाती है और उसी में बिल्ली की आत्मा उसके बॉडी में चल जाती है। तो कायदे से जगह जाए तो ये है अपना नया बिल्ली। तो इस हिसाब से टॉमी को भी जिंदा होना चाहिए। हाँ, तो वो भी जिंदा ही होगा, मगर उसे अभी तक नहीं दिखाया गया कि वो किसके बॉडी में घुसा। अरे अब घुसने घुसाने वाले बात को साइड में रखते हैं, अब ये मेन बात करते हैं कि आखिर वांडा कैसे जिंदा होगी। तो इसको देखो, 100% जिंदा होना ही पड़ेगा क्योंकि मार्वल वालों ने अभी तक इसकी एक लाइव एक्शन मूवी प्लान करके रखी है। और सबसे ज्यादा लंबी जिंदगी मार्वल में वांडा के कैरेक्टर की ही है, क्योंकि कहा तो ऐसा गया है कि जब सीक्रेट वॉर्स में मार्वल रिबूट हो जाएगा तभी भी एलिजाबेथ ऑल्सन ही वांडा का रोल करेगी एंड म्यूटेंट सागा में उनका एक मेजर रोल होगा। और अगर अभी देखा जाए तो दो लॉजिकल रीजन बनते हैं जिससे वांडा मार्वल में वापस रिटर्न आ जाएगी। देखो, उसका बेटा बिली है, वो तो बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा है अपनी माँ को वापस से लाने का, तो हो सकता है वो इस काम में सक्सेसफुल हो जाए। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वांडा की कभी डेथ हुई ना हो, क्योंकि जब वंडरगोर के पहाड़ी पर वो अपने को दफना रही थी तो यहाँ पर एक रेड लाइट ग्लो करती है। हो सकता है कि वांडा रिपोर्ट हो गई हो, और हो सकता है कि वांडा अभी गजनी बनकर घूम रही हो और डॉक्टर डूम उसको सहारा देने आए, जैसे कि कॉमिक्स में हुआ था। तो हो सकता है मार्वल वाले एमसीयू में भी ऐसा ही कुछ करने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन कहीं वांडा ने भी तो अपने आत्मा को किसी और के बॉडी में ट्रांसफर नहीं कर दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, हमें एलिजाबेथ ऑल्सन ही एज वांडा चाहिए। बाकी अगाथा का सीरीज खत्म होते होते हमें वांडा के कैमियो भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है उसकी आत्मा आकर थोड़ा बिल्ली से बात बात कर ले। बाकी आपका इस ओपिनियन में क्या राय है, और अगर वीडियो देखकर ऐसा लगा हो कि मैंने आपको कुछ अच्छा बताया है आपकी काम की चीज, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब मार देना। तब तक के लिए अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए और देखते रहिए AS2 मूवीज।